एक गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बन बांध के एक एक बांस बांध बांध के इतना बड़ा पंडाल जो है तैयार। अच्छा अच्छा, आप गोपालगंज से ही है? हाँ, गोपालगंज से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वापस एक नए वीडियो में। और आज जो है गोपालगंज में फिर से हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, राजा दल का पंडाल जो है गोपालगंज का हमेशा जो है नाम जो है रोशन करता है। गुजरात का अक्षरधाम मंदिर जो है यहाँ पे पंडाल के रूप में राजा दल बना के जो है पंडाल के रूप में सभी को दिखाना चाहता है। राजा दल का दिखा दे आप लोग को। राजा दल का जो है पंडाल काफी मतलब आधे से ज्यादा है बनकर तैयार हो चुका है यहाँ पे, और गोपालगंज का नाम रोशन करता है। हर साल रोशन करता है, इस साल भी रोशन करेगा। पिछला साल भी आप लोग देखे होंगे इस चैनल पे राजा दल का वीडियो आया था जो गोपालगंज में काफी फेमस है। यहाँ पे गोपालगंज के कुछ युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कहा जा रहा है आजकल जो वायरल हो रहा है कि 70 से 80 लाख में लागत से राजा दल जो है पंडाल बनकर तैयार हो रहा है। तो कैसे है छोटे? अच्छे हैं। अच्छा, आप गोपालगंज से ही हैं? हाँ, गोपालगंज से। तो क्या कहना चाहेंगे राजा दल के बारे में? राजा दल बहुत पहले से बनता है, अच्छा है, बनता है, और बहुत लोग यहाँ पर देखने आते हैं। जी जी जी। और कहा जाता है कि 70 से 80 लाख रुपए की लागत से राजा दल बनकर तैयार हो रहा है, यह क्या सही है क्या? हाँ, यह सही है। इतना ज्यादा पैसा लग कर और राजा दल बनता है। तो देखिए, गोपालगंज के युवा का भी कहना है कि हम यहाँ पे 70 से 80 लाख रुपए की लागत से राजा दल पंडाल बनकर तैयार हो रहा है। और राजा दल पंडाल बनकर नहीं तैयार होता है यहाँ से, और आप लोग को बता दें कि जहाँ पे पंडाल बन रहा है यहाँ से लेकर अंबेडकर चौक तक ये पूरी जो रोड है इसको सजा दिया जाता है। इस तरीके से सजा दिया जाता है जैसे शादी ब्याह में लोग सजा देते हैं, उस तरीके से सजा दिया जाता है। और अभी जो पंडाल बना, इससे पहले जो पंडाल बना था वो जो है कलकत्ता का एक मंदिर बना था, अब की जो पंडाल बन रहा है एक गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बन रहा है। और बनकर तैयार हो जाएगा तो देखने वाला चीज रहेगा, क्योंकि गोपालगंज का यह राजा दल है, और यह राजा दल हमेशा जो है गोपालगंज का नाम रोशन करता है, और इस साल भी नाम रोशन करने वाला है। तो आप लोग से आग्रह है कि एक बार पूजा में जरूर आए और जो है राजा दल पे आके एक बार देखें। यहाँ पे दोस्तों खड़े होने की जगह नहीं मिलता है, ये गोपालगंज का राजा दल है और एक काफ़ी फेमस है। गोपालगंज जिला का, पूरे बिहार में यह राजा दल का नाम चलता है और हर साल चलता रहेगा, और इस साल भी उसी के जैसा राजा दल का नाम रोशन होने वाला है। और राजा दल के साथ साथ आप लोग को बता दें कि गोपालगंज का भी नाम रोशन होने वाला है। तो देख सकते हैं आप लोग, कैमरामैन से कहेंगे कि काफ़ी करीब आके दिखा दें। यहाँ पर देखिए काफ़ी बाँस रखा हुआ है और बनाने वाले आज लोग जो है छुट्टी पे हैं कि कहीं गए हुए हैं। अभी हम टाइम हो रहा है 2:30 के करीब हो रहा है, हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि राजा दल पंडाल पे हम गोपालगंज में कैसे पहुँचे, तो आप लोग को किसी से पूछना नहीं है, सीधा आप लोग अंबेडकर चौक पे आएंगे। सदर हॉस्पिटल के सामने से एक रोड आया है पूरब साइड की तरफ, उस रोड में सीधा आप अगर आ जाएंगे और किसी से भी पूछेंगे कि हमें राजा दल पंडाल पे जाना है तो कोई भी बता देगा। और आप लोग आकर यहाँ देख सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। काफ़ी यूट्यूबर भाई जो परेशान रहते हैं कि हमें राजा दल पर कैसे पहुँचे, कोई संपर्क का मिल जाए, तो आप लोग किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अंबेडकर चौक पे आइए, अंबेडकर चौक से किसी से भी पूछेंगे कि हमें राजा दल पंडाल पे जाना है तो कोई भी रास्ता बता देगा। और आप लोग आके यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं, चाहे आप लोग यहाँ पे आके पूजा पाठ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पंडाल बनाने के लिए लकड़ियाँ भी सारे जोड़ के रखा गया है, और यहाँ पंडाल बनाने के लिए काफ़ी लोग रहते हैं। और आज के टाइम अभी हम लोग पहुँचे हैं तो खाना खाने चले गए हैं, तो हम लोग के पास भी टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग वेट नहीं करते हुए ये सोचे कि वीडियो बना के आप लोग को दिखा दें। देखिए आप लोग कितना बड़ा पंडाल बन रहा है, आगे से देखने में छोटा है मगर जो है अंदर के साइड में अगर आप लोग आते हैं तो देख सकते हैं आप लोग काफ़ी बड़ा पंडाल बन रहा है। आगे से अगर सामने से अगर आप लोग देख रहे हैं तो छोटा सा दिखता है, मगर जो अंदर के साइड में आएंगे तो देखिए ये कितना बड़ा पंडाल बन रहा है। और पंडाल कैसे बनाया जाता है वो चीज़ भी आप लोग देख लीजिए, बांस बांध बांध के, एक एक बांस बांध बांध के इतना बड़ा पंडाल जो है तैयार किया जा रहा है। और ये पंडाल नहीं, आने वाले समय में 10 से 15 दिन में आप लोग अक्षरधाम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग जो गोपालगंज में अक्षरधाम मंदिर का दर्शन कर लेंगे। देख सकते हैं आप लोग
कपड़े और नारियल के रस्सी से यह पूरा पंडाल बनकर तैयार हो रहा है। अब की तो पिछले बार से भी बड़ा जो पंडाल है अब की राजा दल बना रहे हैं। इधर दिखा दे इधर। तो दोस्तों देख सकते हैं पंडाल बनाने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, लकड़ियां छोटे छोटे जोड़कर और बहुत मेहनत और बहुत पैसा लागत से यह जो पंडाल जो है बनकर तैयार होता है। देख सकते हैं आप लोग काफी छोटे से बड़े लकड़ियां जो है रख के ज्वाइंट करके और ये पंडाल को तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों गोपालगंज का राजा दल पंडाल दिखाएं, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।